हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं LNIP BPED एंट्रेंस का एक बहुत ही मस्त मॉक टेस्ट लाया हूँ पूरे 100 क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन सब चीज़ मिलेगा। If you solve all the questions of my videos, then it is going to be very helpful for you. इन 100 questions के answers आपको मैं साथ में बताते चलूँगा। तो friends, for more such mock tests, please subscribe my channel Physical Education Adda. तो चलिए अब चलते हैं आज की mock tests की तरफ। So let's start, guys. चलिए चलते हैं अब friends. ये रहा आपके सामने पहला question. What is the dimension of 100 rupees note? What is the dimension of 100 rupees note? The correct answer is 66 × 142 millimeter. Option number D is the correct answer of this question, friends. Option number D is the correct answer. Find the odd one out. फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत ईजी है, गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों को देखेंगे। कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार का स्पेलिंग थोड़ा एरर है, क्यू होगा स्टार्टिंग में। कुतुब मीनार, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, तीनों दिल्ली में स्थित है, बाकी गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2021 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडिया। अपना भारत देश 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डू नॉट पास थ्रू विच स्टेट? फ्रेंड्स, आपको पहले बता दूं मैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने इंडियन स्टेट्स में कितने स्टेट से पास होता है? तो एट स्टेट से पास होता है, जिसमें वो उड़ीसा से पास नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड टेम्पररी और वोलाटाइल स्टोरेज? विच टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड टेम्पररी और वोलाटाइल स्टोरेज? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ROM, उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको इसके लिए कॉपी निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, F3J। हु इज द हेड ऑफ IOC? Who is the head of IOC? कन्फ्यूज मत होना फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। IOA नहीं है, IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। IOC है, और IOA का फुल फॉर्म होता है इंडियन ओलंपिक कमिटी। तो इंडियन ओलंपिक कमिटी नहीं होता है। बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए मेरे को। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको मैं आंसर बता दूं इसका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बैच इज द हेड ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेड हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा, जो कि इंडियन हॉकी फेडरेशन के भी हेड हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर। चलिए आपको मैं बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफर खान इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। 33rd एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स विल बी होस्टेड बाई विच कंट्री? देखिए, 33rd एडिशन होगा आपका 2024 में होगा आपका
33वां संस्करण ओलंपिक खेलों का, जो कि हो रहा है पेरिस फ्रांस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस फ्रांस। चलिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीपोर्ट। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ। फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर्स। सॉरी स्टेट मीन्स, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सॉरी स्टेट मतलब होता है क्षमा करे, तो इसका मतलब हो जाएगा सॉरी स्टेट मीन्स अनप्लीजेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आपको बता दूं, 5311925। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यू कैन चेक योर आंसर्स। BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 1928। एज मर्सी इज कनेक्टेड विद वर्च्यू, देन इन द सेम वे क्रुएलिटी इज रिलेटेड टू। फ्रेंड्स, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लगाइए दिमाग और सॉल्व करिए। हम आपको आंसर बता देते हैं इसका। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफिलेजेसी। प्रोफिलेजेसी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। अगेन रीजनिंग क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यू कैन चेक योर आंसर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वाइफ एंड हस्बैंड। द 14th एडिशन ऑफ वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड एट विच कंट्री। वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप का 14th संस्करण कहाँ खेला गया था? तो फ्रेंड्स, ये खेला गया था लंदन में, इंग्लैंड में है, जो कि लंदन टूर्नामेंट का नाम था वाइटैलिटी वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ही आस्क रमा टू गो विथ हिम। टू स्टोर एंड स्टॉप मींस, फ्रेंड्स, स्टोक एंड स्टोर, स्टॉप का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, होल्ड। होल्ड मतलब होता है गिरो खजाना। टू स्टोर एंड स्टॉक, होल्ड, गिरो खजाना, होल्ड का मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आई होप इट्स क्लियर। आपको अगर कोई भी वीडियो में कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई करके आपकी क्वेरी को दूर करूंगा फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट। द ऑपोजिट वर्ड ऑफ पोटेंट, आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, वीक। व्हेन वाज मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड, तो फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग भारत में स्थापित हुआ था 1906 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1906। Which soil is most suitable for cotton? Black soil, ये सब देखिए general question है, very easy questions। Anti-tobacco day in India is observed on, and anti-tobacco day in India is observed on 31st of May। So correct answer will be option number C। How many players are there in the game of basketball? 5, you all might be knowing। 36 national games will be held at, बोलने की जरूरत नहीं, आपको आंसर दिख गया होगा, गोवा। अहमदाबाद इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर, फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका, अहमदाबाद इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ साबरमती रिवर।
कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अहमदाबाद में गांधी जी का साबरमती आश्रम है, तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अहमदाबाद में साबरमती नदी बहती है। बाकरा नंगल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? द करेक्ट आंसर विल बी सतलुज रिवर। सतलुज रिवर पर भाकरा नंगल डैम बिल्ट हुआ है। मोडेम स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। अगर आप मेरा पिछला मॉक टेस्ट का वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसका आंसर मालूम होगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मेरा अगर ये पिछला मॉक टेस्ट सब नहीं देखें, पीछे का जो भी मॉक टेस्ट मैं अपलोड किया हूँ तो उसे जाकर देखें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा है। फेमस मिलिट्री एक्साइज संप्रीति इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश? फ्रेंड्स टाइम्स अप, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश, जो कि 2019 में बांग्लादेश में ऑर्गेनाइज करवाया गया था ये मिलिट्री एक्साइज संप्रीति। रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, सॉल्व करिए इसको आप। चलिए आपको इसका आंसर बता दूं मैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20। लॉरियल पेरिस ब्रांड एम्बेसडर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ लॉरियल पेरिस ब्रांड छूट गया है गलती से, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर है, कैन यू गेस? चलिए आपको बता देता हूँ, इसके आंसर है शक्ति मोहन, अदिति राव, मिथाली राज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द थ्री। अगेन रीजनिंग क्वेश्चन, यू सॉल्व इट, आई विल टेल यू द आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाई ई बी डी एन ओ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एप्रिसिएट एंड कमेंट फॉर पुलिस पॉलिसी हैज बीन स्टार्टेड बाई विच स्टेट? फ्रेंड्स ये पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एप्रिसिएट एंड कमेंट फॉर पुलिस पॉलिसी लाई थी, COVID-19 से लड़ रहे हैं वहाँ के पुलिस के जवान, तो अमरिंदर सिंह ने उनको प्रमोट करने के लिए अप्रिसिएट एंड कमेंट फॉर पुलिस पॉलिसी लाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। उदयगिरी रॉक कट्स आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? वेरी इजी, गांधीनगर। द गैस डेट कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस इज? द गैस डेट कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस इज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, मीथेन गैस कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइंस। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? फ्रेंड्स आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रशिया। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम रशिया, ऑप्शन नंबर डी। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज? द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज गोदावरी रिवर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन नोज डिजीज। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइनोलॉजिस्ट इज द वन हु इज स्पेशलाइज्ड इन नोज डिजीज। ऑटोलॉजिस्ट कान का डॉक्टर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एंडोक्राइन मतलब समझ सकते हैं पेट के अंदर की बीमारियाँ, तो पेट का डॉक्टर कौन हो जाएगा? स्टमक का डॉक्टर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको। ऑटोलॉजिस्ट कान का डॉक्टर, राइनोलॉजिस्ट बताई दिया आपको क्वेश्चन में, नाक का डॉक्टर, ग्रिंटोलॉजिस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, यू कैन सर्च इट। द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द सका एरा बिगेन ऑन? फ्रेंड्स इसका तो आंसर आपका होगा AD 78, ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का नेशनल कैलेंडर है संघ सावंत। फ्रेंड्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्काई ब्लू है तो ग्रास, स्काई का कलर क्या है? ब्लू है, ग्रास का कलर क्या हो जाएगा? इतना इजी क्वेश्चन यार, ग्रीन होगा।
टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5th of September. ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप? फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जूट इज नॉट अ रबी क्रॉप. बाकी तीनों आपके रबी क्रॉप हैं. हु इज द राइटर ऑफ द बुक? हु इज, थोड़ा एरर है, ग्रामर एरर, ग्रामेटिकल एरर है फ्रेंड्स, डोंट माइंड दैट. हु इज द राइटर ऑफ द बुक इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म? फ्रेंड्स इसके राइटर हैं ऑप्शन नंबर ए, वाई वी रेड्डी. हु इम्प्लीमेंटेड द सब्सिडियरी अलायंस? हु इम्प्लीमेंटेड द सब्सिडियरी अलायंस? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलाउजी, लॉर्ड कर्जन. फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली. नेम द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया? नेम द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स वर्ल्ड अगर पूछा होता तो नाइल होता, लेकिन यहाँ पे इंडिया पूछा है तो इंडिया हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेमानंद लेक. चिल्का लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया इज वेमानंद लेक, ऑप्शन नंबर डी. माइकल फेलिप्स द स्विमर, द ओलंपिक स्विमर हैज सिक्योर्ड डैश ओलंपिक गोल्ड मेडल्स? फ्रेंड्स आपको बता दूं, माइकल फेलिप्स एक स्विमर है जो ओलंपिक में 28 मेडल्स टोटल ला चुके हैं अभी तक, जिनके जिसमें से उनका 23 गोल्ड मेडल्स है, 23 गोल्ड मेडल्स है. स्विमिंग में ओलंपिक में 8 इवेंट होते हैं फ्रेंड्स, तो माइकल फेलिप्स ने बीजिंग ओलंपिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल लाए थे. सोच सकते हैं आप कितना मेहनती प्लेयर हैं, कितना हार्ड वर्किंग प्लेयर माइकल फेलिप्स. इवन एट द एज ऑफ 40 अप्रॉक्स ही स्टिल ब्रिंगिंग मेडल्स फॉर हिज कंट्री. फ्रॉम वेयर हैज द एक्सप्रेशन सत्यमेव जयते टेकन? फ्रॉम वेयर हैज द एक्सप्रेशन सत्यमेव जयते टेकन? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी. अरेंज द फॉलोइंग इन मीनिंगफुल ऑर्डर. फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 1 4 3. तो फ्रेंड्स आपको मैंने इसका आंसर बता दिया, इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लिए होंगे. इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैसीनो. अगेन रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको मैं आंसर बता दूंगा. इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, पी. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. अगेन रीजनिंग क्वेश्चन फ्रेंड्स, थोड़ा ये मैथ से जुड़ता है, हल्का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वेरी इजी देन टू. इसका आंसर हो जाएगा आपका 30, ऑप्शन नंबर सी. सिनोनम ऑफ ब्लेमिश. ब्लेमिश का मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको पहले तो. ब्लेमिश का मतलब होता है दाग या धब्बा. अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ, याद कैसे करेंगे आप इसका. इसका आंसर पहले बता देता हूँ, ब्लेमिश मतलब दाग या धब्बा होता है, तो स्पॉट हो जाएगा इसका आंसर, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसका ट्रिक बताता हूँ. छोटी उम्र में बलम को मिस ना करो वरना ब्लेमिश लग जाएगा कैरेक्टर पर. छोटी उम्र में बलम, ब्लेमिश बलम जुड़ता है ना. छोटी उम्र में बलम को मिस ना करो वरना ब्लेमिश लग जाएगा करेक्टर पर, मतलब दाग लग जाएगा करेक्टर पर, दाग या धब्बा.
तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरा आपको मेरा ट्रिक पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। सिनोनम ऑफ जानी जैनी, सिनोनम ऑफ जैनी, जैनी का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैनी क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में वाई जुड़ा हुआ है, ठीक। जैनी का मतलब होता है मजाकिया इंसान, मूर्ख, सनकी, ठीक। सिनोनम पूछा है मतलब सेम वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलिए बताइए आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका फनी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। जैनी का सिनोनम हो जाएगा फनी। अब इसका ट्रिक बताता हूँ आपको, हर बात में जानी ना बोला करो, कभी कभी जैनी लगते हो। आप समझ गए ट्रिक, चलिए रिपीट करता हूँ, हर बात में जानी, जैनी जानी मिलता है ना, हर बात में जानी ना बोला करो, कभी कभी जैनी लगते हो मतलब मूर्ख लगते हो, फनी लगते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथकली इज फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, कथकली के है तो इसका आंसर के होगा मतलब केरला, ऑप्शन नंबर ए। कथकली इसका याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक होगा आपका, कथकली मतलब के से चालू होता है तो केरला के से चालू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए, आपको मैं आंसर बता दूंगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुरली गिरिधर। फ्रेंड्स ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्यू आर एस। फ्रेंड्स ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी ऑफ LNIP ग्वालियर, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स ये LNIP के बीपेड में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कॉलेज से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 60K। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की लाइब्रेरी में 60,000 बुक्स हैं, और लाइब्रेरी का नाम क्या है, डॉक्टर PM जोसेफ सेंट्रल लाइब्रेरी, डॉक्टर PM जोसेफ सेंट्रल लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरी एशिया का लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन बुक्स। फ्रेंड्स इसलिए आपका BPED का एंट्रेंस इतना टफ होता है LNIP ग्वालियर का। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ असम स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमा दास इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ असम स्पोर्ट्स। द 13th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन, 13वां संस्करण क्रिकेट वर्ल्ड कप का कहाँ खेला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीज़ा, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीज़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, PV Sindhu इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीज़ा। बेस्ट वन डे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 गोज टू रोहित मैन शर्मा, रोहित गुरुनाथ शर्मा उनका फुल नेम है, ये बेस्ट वन डे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2019 का रोहित शर्मा को, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है BCCI के द्वारा। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सिनोनम ऑफ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब होता है सीरियस, तो इसका सिनोनम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा सीरियस। फ्रेंड्स इसका ये क्वेश्चन मैंने पिछले मॉक टेस्ट में दिया था, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते आए होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। मैं सिनोनम सेंटोनम जो भी देता हूँ अपने इस मॉक टेस्ट में, वो इम्पोर्टेंट ढूंढ के देता हूँ आप, जो मुझे लगता है कि आ सकता है।
फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करिए इसको, लगाइए दिमाग। रीजनिंग का सॉरी इंग्लिश का क्वेश्चन है। अरेंज द वर्ड्स गिवन फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एस पी क्यू आर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एस पी क्यू आर। द बैटल फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। फ्रेंड्स आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था एक मॉक टेस्ट में, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था, बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था, सब बैटल के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते गया था। ऐसे ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन था उसमें भी। तो फ्रेंड्स पहला बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लड़ा गया था 1526 में। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था आपका 1757 में, और बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। विच प्लैनेट इज नोन एज ओल्डेस्ट प्लैनेट। वेरी इजी क्वेश्चन, नेपच्यून। एट द बैक साइड ऑफ इंडियन करेंसी नोट अमाउंट इज प्रिंटेड इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस। फ्रेंड्स आप इंडियन करेंसी नोट तो बहुत रखे होंगे, उसमें पीछे अमाउंट कितने भाषाओं में लिखा होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ इसको आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। डैश कंट्री हैज़ क्रिकेट एज इट्स नेशनल स्पोर्ट्स। जो भी नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किस कंट्री का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमैका। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच ग्लैंड इज कॉल्ड नोन एज मास्टर ग्लैंड। देखिए पिछले मॉक टेस्ट में मैंने आपको इसका आंसर बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। सैमसंग इज द कंपनी ऑफ विच कंट्री। वेरी इजी क्वेश्चन, साउथ कोरिया। When was Commonwealth Games were started? Friends, very easy question. Commonwealth Games कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1951 में एशियन गेम्स चालू हुआ था, 1896 में ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे। अगेन रीजनिंग क्वेश्चन फ्रेंड्स, सॉल्व करिए इसको। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 145। फ्रेंड्स अगेन रीजनिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर बता दूं आपको मैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 11 इयर्स। जूडो इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। जूडो इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जापान। विच इंडियन स्टेट इज कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय पाक स्ट्रेट। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। तमिलनाडु स्टेट इज कनेक्टेड टू श्रीलंका बाय पाक स्ट्रेट। फेमस चेन्नई प्लेयर। फ्रेंड्स आप ये क्लास ट्वेल्थ के हिंदी बुक में पढ़े होंगे, एक चैप्टर था बिस्मिल्ला खां के ऊपर कि वो बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी बिस्मिल्ला खान। विच इज कॉल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नैनीताल इज नोन एज लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर्ड इज इन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वॉशिंगटन डीसी। द ट्वेल्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप वॉज वन बाई विच कंट्री। जो 12वां संस्करण क्रिकेट वर्ल्ड कप का हुआ था वो कौन सा देश जीता था। फ्रेंड्स आपको याद दिला दूँ, इसको इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर, जो टाई हुआ था मैच, जिसमें वर्ल्ड कप के फाइनल में मैच टाई हुआ था, जिसमें क्योंकि इंग्लैंड ने ज़्यादा
बाउंड्री मारे थे, ज़्यादा फोर रन ज़्यादा चौके बाउंड्री इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मारे थे, तो इसलिए इंग्लैंड को विजेता दिया गया था। तो 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप वॉज वन बाई ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। फ्रेंड्स ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करिए। आपको मैं आंसर बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 81। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अल्फाबेट INC? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, वही अल्फाबेट INC इनकॉर्पोरेशन के CEO हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन इज सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर बी। इफ इन समर इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस देन इट्स टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेस। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज लोकेटेड एट। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी। हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा? फ्रेंड्स अलीबाबा एक चाइनीज ई-कार्ट कंपनी है, अलीबाबा एक चाइनीज कंपनी है जिसके फाउंडर हैं जैक मा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2020 T20 वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। 2020 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, आप सभी को पता होगा क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ साउंटरिंग? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ साउंटरिंग? साउंटरिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? चहलकदमी। तो चहलकदमी मतलब हो जाता है वंडर होता है, कंडेम तो नहीं होता, ड्वेडल हाँ चहलकदमी, स्ट्रॉलिंग भी चहलकदमी। तो फ्रेंड्स कंडेम्ड, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंडेम्ड इज नॉट द सिनोनिम ऑफ साउंटरिंग। कंडेम्ड का मतलब होता है तिरस्कार करना। 2019 रग्बी वर्ल्ड कप वॉज होस्टेड बाई विच कंट्री? 2019 रग्बी वर्ल्ड कप वॉज होस्टेड बाई विच कंट्री? फ्रेंड्स इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा जापान। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए जापान। फ्रेंड्स अब ये आ गया आपका पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलो इट। फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल हैव रेड द पैसेज। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। द ओनली वे टू स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग इज टू, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट द कलेक्शन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, द करेक्ट आंसर इज मॉस्किटो बाइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थ्री, पीपल फॉल सिक बिकॉज, ऑप्शन नंबर सी, दे हैव लेस और नो इम्यूनिटी पावर। पीपल फॉल सिक बिकॉज दे हैव लेस और नो इम्यूनिटी पावर। क्वेश्चन नंबर फोर, मॉस्किटोज ब्रीड इन, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी स्टैग्नेंट वाटर, मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर। क्वेश्चन नंबर फाइव, मलेरिया डज नॉट फ्रीक्वेंटली ऑकर इन डेजर्ट कंट्रीज बिकॉज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, बिकॉज डेजर्ट आर ड्राई एंड एरिड लैंड्स। नहीं सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली ऑकर इन डेजर्ट कंट्रीज बिकॉज ड्यू टू वाटर स्कैसिटी, स्टैग्नेंट वाटर इज नॉट फाउंड देयर एंड सो देयर आर नो मॉस्किटोज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स इज अ करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आई होप यू ऑल हैव डन दिस पैसेज। चलिए चलते हैं अब अगली पैसेज की तरफ।
आप वीडियो को पॉज करके पैसेज पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल हैव रेड द पैसेज। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। नेविगेशन डिड नॉट प्रोग्रेस बिकॉज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रॉन्ग बिलीव्स अबाउट द ओशियन प्रिवेल्ड। नेविगेशन डिड नॉट प्रोग्रेस बिकॉज रॉन्ग बिलीव्स अबाउट द ओशियन प्रिवेल्ड। 97 क्वेश्चन, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 2। द सेलर्स वेयर रिलक्टेंट टू सेल बिकॉज, द सेलर्स वेर रिलक्टेंट टू सेल बिकॉज दे हैड मिसकंसेप्शंस अबाउट द सी। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ऑप्शन नंबर बी, दे हैड मिसकंसेप्शंस अबाउट द सी। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द मिडिल एजेस आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शिप बिल्डिंग वॉज ग्रेटली इम्प्रूव्ड अपॉन। ड्यूरिंग द मिडिल एजेस आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी, शिप बिल्डिंग वॉज ग्रेटली इम्प्रूव अपॉन। क्वेश्चन नंबर 4, नेविगेशन प्रोग्रेस्ड व्हेन मरीनर्स कंपास केम इनटू यूज। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी, नेविगेशन प्रोग्रेस्ड व्हेन मरीनर्स कंपास केम इनटू यूज। तो फ्रेंड्स चलिए आज के वीडियो को लास्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग द अर्ली एजेस मैन बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ का आपका ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, और आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसे और सच मॉक टेस्ट के साथ आऊं तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको एग्ज़ाम देने से पहले इतने सारे मॉक टेस्ट देकर तैयार कर दूँगा कि आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा एग्ज़ाम। फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच मॉक टेस्ट प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।